वेलकम फ्रेंड टू अनादर लेक्चर ऑन द हरिज लेबॉरेट्री मेडिसिन ये लेक्चर लिवर फंक्शन टेस्ट के ऊपर है और इस बार मैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट के बारे में बताऊँगा ना फॉस्फटेज शब्द फॉस्फटेज शब्द का मतलब है कि कोई भी एंजाइम जो मोलिक्यूल से फॉस्फेट का ग्रुप निकाल दे उसको हम फॉस्फेटेज कहते हैं क्योंकि ये एंजाइम एल्कलाइन पी में सबसे अच्छा काम करता है तो इसका नाम अल्कलाइन फॉस्फेटेज रखा गया है इसका एक्चुअल फंक्शन बॉडी में क्या है ये क्लियरली पता नहीं है इसका ट्रू सबस्ट्रेट क्या है ये क्लियरली पता नहीं है लेकिन ये एंजाइम सीरम में एस्टिमेट करने से हमें लिवर और बहुत सारे और डिजीज के बारे में पता चल जाता है इसीलिए दिस एंजाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अगर बॉडी में हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज कहते हैं तो जाहिर है कोई एसिड फॉस्फिटेज भी होगा बॉडी में एसिड फॉस्फेटेज़ है सवाल ये है कि ये एसिड फॉसफिटेज है क्या चीज़ कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट है और इसका क्या यूज़ है इसके बारे में आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए इस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेकर प्रेजेंट करूँगा ना अल्कलाइन फॉस्फेटेस बॉडी में कहाँ कहाँ पर होता है मोटे तौर पर कहें तो लिवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बट अगर ज़्यादा स्पेसिफिकली बोले तो डक्ट की और बाइल बिलरी ट्री इसमें पाया जाता है दूसरा ऑर्गन जहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेटेज सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है बोन्स जब भी बोन का फ्रैक्चर हो या ग्रोथ के टाइम पे जब बोन का लेंथ बढ़ता हो जैसे बच्चों में तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल हाई हो जाता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंटस्टाइन में भी पाया जाता है और प्रेगनेंट टेडीज में प्लासेंटा में अल्कलाइन फॉस्फेटेज काफ़ी मात्रा में पाया जाता है ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल ये है कि अल्कलाइन फॉस्फिटिस लिवर फंक्शन टेस्ट में कैसे आया दी आंसर टू दैट क्वेश्चन इज अल्कलाइन फॉस्फेटिस ये जो बाइलरी ट्री है उसमें उसके सेल्स के लाइनिंग में अल्कलाइन फॉस्फिटिस होता है तो अगर किसी कारणवश बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए जैसे कोई कैंसर या स्टोन तो बाइल का फ्लो में रुकावट आती है बाइल डक्ट में प्रेशर बढ़ता है तो ये जो सेल्स हैं जो इस बाइल डक्ट को लाइन करते हैं वो मर जाते हैं और उनके मरने के कारण जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज उनमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो ब्लड वेसल में आ जाता है तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ब्लड में अल्कलाइन फॉस्फिटेज का लेवल बढ़ जाएगा इसीलिए एल्कलाइन फॉस्फेटेज लिवर फंक्शन टेस्ट की गिनती में आता है नौ अल्कलाइन फॉस्फिटाइज टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा सैंपल कौन सा है हम सीरम प्रेफर करते हैं तो येलो टॉप या रेड टॉप वैक्यूटेरियज में सैंपल कलेक्ट करके भेज सकते हैं लेकिन सैंपल भेजने के दौरान कुछ चंद चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखना चाहिए एक मैंने आपको बताया था कि अल्कलाइन फॉस्फिटाइज इंटस्टाइन में होता है तो अगर पेशेंट ने खाना वाना खा लिया या नॉन फास्टिंग सैंपल दिया तो इंटस्टाइंस का जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो ब्लड में आ जाएगा और इस पेशेंट का अल्कलाइन फॉस्फिटेज लेवल नॉर्मल से हाई मिलेगा इसीलिए अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज हम टेस्ट करना चाहते हैं तो फास्टिंग सैंपल लेना चाहिए दूसरा चीज़ बच्चों में क्योंकि बोन का काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन और ग्रोथ होता है बच्चों में अल्कलाइन फॉस्फिटेज लेवल्स हाई मिलता है और मैंने कहा था कि प्लासेंटा में भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी एल्कलाइन फॉस्फिटेज का लेवल हाई होता है तो so, जब भी हम टेस्ट भेजते हैं और जब भी हम रिपोर्ट के साथ इंटरप्रेट करना चाहते हैं कि लिवर का प्रॉब्लम है कि और कोई प्रॉब्लम है तो ये तीन इन्फॉर्मेशन क्या वो सैंपल फास्टिंग है क्या वो बच्चे का सैंपल है क्या वो प्रेग्नेंट लेडी का सैंपल है ये तीन चीज़ ध्यान में रखना चाहिए और उसके बाद ही रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करना चाहिए नाउ व्हाट इज़ अ टेस्ट रिएक्शन जो हम अल्कलाइन फॉस्फेटेज का टेस्ट करते हैं वो काइनेटिक मेथड से करते हैं और मेथड का नाम है एंड मेकॉम मेथड इसमें हम एक सब्सटेट यूज करते हैं पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट और इसका बफर का पीएच अल्कलाइन होता है मैंने बोला था कि एंजाइम का नाम अल्कलाइन फॉस्फेटेज है और फॉस्फेटेज का काम है कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ हो उसको निकालने का काम करता है तो ये सब्सटेंस पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट कलरलेस होता है लेकिन जब हम सीरम डालते हैं और सीरम से अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम आता है वो इस प्रोडक्ट में काम करके ये फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देता है और पैरानाइट्रोफिन और फॉस्फेट दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल फॉस्फेट कलरलेस होता है लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल उसका येलो कलर है तो जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा जो उतना उतना पैरानाइट्रोफिनॉल बढ़ेगा उतना ज़्यादा येलो कलर बढ़ता जाएगा और ये गेन इन कलर कि येलो कलर कितना बड़ा है उसको हम कलर मीटर में टेस्ट करते हैं यूजुअली 410 नैनोमीटर्स के वेवलेंथ पे काइनेटिक टेस्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि उस एंजाइम का कॉन्सनट्रेशन कितना है ध्यान में रखिए कि ये काइनेटिक टेस्ट है और इसका ग्राफ इंक्रीजिंग करता है क्योंकि रिएक्शन के दौरान पैरानाइट्रोफिनॉल बनता है जो कलर देता है अगर आपको याद रहेगा मेरे पिछले वीडियो में जब मैंने ए और ए के बारे में बात किया था तो उस समय बताया था कि उसका ग्राफ डिसेंडिंग है ए और ए का ग्राफ डिसेंडिंग होता है और अल्कलाइन फॉस्फिटेज का ग्राफ असेंडिंग में होता है नाउ नॉर्मल लेवल्स ऑफ अल्कलाइन फॉस्फिटेज ये थोड़ा वेरिएबल है क्योंकि हम कौन से किट में यूज़ कर रहे हैं कौन सा पी है उस किट का किस टेम्परेचर में कर रहे हैं ये सारे तीन चीज़ें मायने रखती हैं तो जो भी एनालाइजर पे हम टेस्ट करते हैं उसका नॉर्मल रेंज किट में दिया होता है वही वैल्यूज़ हमें दिखना चाहिए यूजुअली एक 190 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर के से नीचे होता है ना इम्पॉर्टेंट थिंग है इसकी कौन कौन से कंडीशन में एल्कोलाइन फॉस्फेटेज लेवल हाई होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जब डक्ट का फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो चाहे वो स्टोम्स के कारण हो चाहे वो कैंसर के कारण हो इसमें अल्कल फॉस्फेटेज लेवल्स काफ़ी बढ़ जाता है वायरल हेपटाइटस लिवर कैंसर में भी अल्कल फॉस्फेटेज लेवल्स हाई होते हैं वायरल हेपटाइटस में ए और एल का लेवल काफ़ी हाई होता है और अल्कल का अल्कल फॉस्फेटेज का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहता है लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में अल्कलाइन फॉस्फिटेज का लेवल काफ़ी हाई होता है और एस टी का लेवल हल्का सा इंक्रीज़ होता है जब पेशेंट को कोई स्टीरॉयड थेरेपी में डालते हैं तब भी थोड़ा बहुत अल्कल फॉस्फिटेज लेवल बढ़ जाता है अल्कलाइन फॉस्फिटेज लेवल कौन कौन से कंडीशन में लो होते हैं लो अल्कलाइन फॉस्फिटेज का कोई मायना नहीं रखता है ऐसा कोई क्लिनिकल कंडीशन नहीं है जहाँ पे अल्कल फॉस्फिटेज लो होता है तो वॉट आर इंटरेस्टेड इन नोइंग इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज या तो नॉर्मल है या तो रेज है और अगर रेज्ड है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस वायरल हेपेटाइटिस लिवर कैंसर स्टीरोड थेरेपी ध्यान में और रखना चाहिए कि अगर पोस्ट पैंटियल सैंपल है तो वैसे ही अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल हाई मिलेगा बच्चों में अल्कलाइन फॉस्फिटेज लेवल्स हाई होता है क्योंकि बोन का रीमॉडलिंग होता रहता है बच्चों में और प्रेग्नेंट लेडीज में भी अल्कलाइन फॉस्फिटेज लेवल्स हाई मिलेगा आपको थैंक यू वेरी मच फॉर लिस्निंग टू माई लेक्चर आप मुझे मेरे ई मेल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल्स के मेरे दो यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं और हाल ही में मैंने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जहाँ पर आप मेरे सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं थैंक यू वेरी मच